हेलो फ्रेंड्स, मैं लॉनी वेलकम करती हूँ आप सभी को लॉनीज आइल में। ये देखिए बहुत सुंदर सा मेरे यहाँ गुलाब के फूल खिले हैं। तो आज मैं आप लोगों से मेरा जो आज संडे जो मैंने गार्डन में वर्क किया है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सब देखिए, इनका साफ सफाई कर दिया है मैंने आज। ये सब देखिए, नींबू के प्लांट ये पॉट में, ये देखिए यहाँ पे बहुत कीड़ा लग गया था तो मैं उन सबको उठा के उन सबको हटा दिया है। और गार्लिक का जो स्प्रे है वो भी मैंने दिया है इसमें। और ये सब देखिए रेन लिलीज़ में, रेन लिलीज़ का अभी ब्लूमिंग होना बस ख़त्म ही हो गया है। तो कल परसों यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश थी तो वो इसीलिए देखिए दो तीन पॉट्स में फिर से कलियाँ निकल के आ रहे हैं। ये देखिए बारिश के वजह से फिर से निकल के आ रहे हैं रेन लिली में कलियाँ। और ये देखिए, ये बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये एरेलिया मेरा ऑलमोस्ट मतलब ये पूरा खड़ा भी हो गया था। पर अभी देखिए, अभी ये फिर से जरा मैं धूप में लेके आई हूँ और इसका मिट्टी भी चेंज कर दिया है मैंने, तो इसलिए देखिए ये अभी एकदम मतलब अच्छा ही हो गया है। और कुछ दिन बाद और फिर से ये अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इन सब का ट्रिमिंग कर दिया है मैंने। ये देखिए रेन लिलीज़ का बहुत जंगल जैसा हो गया था। और आज मैंने क्या वर्क किया है उसी के साथ साथ मेरे देखिए मेरे गार्डन में इन सबको देखिए, ये सब यहाँ पे ही रहते हैं। मैं खाने के लिए देती हूँ तो ये लोग यहाँ पे ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगाए हैं आज। ये देखिए ये एक ये मेरे पास पहले भी था और एक मैं नया कटिंग लगाया है। और ये देखिए एग्लोनिमा, और फिर से ये अलग वैरायटी का ये है कोलियस, ये भी एक कोलियस है। तो इन सब का कटिंग्स मैंने आज संडे लगाया है। तो जो कोई भी मेरे फ्रेंड्स डिफेनब्रेकिया को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो ये एक बात वो ध्यान में रखना चाहिए कि डिफेनब्रेकिया का जो स्टेम है उस स्टेम को काटने से जो उसका लिक्विड उसका जो निकलता है वो थोड़ा पॉइजनस है। उसको वो हाथ में लगने से हाथ में बहुत इरिटेशन होता है। आज मैंने जब गार्डन में इसे लगाया तब मुझे वो जो लिक्विड पार्ट है स्टेम से निकलता है वो मेरे हाथ में लग गया था। तो उसके बाद मेरे हाथ में ऐसा बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने के वजह से पूरा एकदम रेड टाइप का हो गया था मेरा हाथ। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई डिफेनब्रेकिया अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो वो ग्लोव्स पहन के वो काम करे। तो मैंने पहले सुना था कि डिफेनब्रेकिया थोड़ा पॉइजनस है लेकिन आज मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो गया है तो ये बात मुझे बोलना था सबको। और उसके बाद देखिए मेरे जो ये है ब्लैक आइड सुजन, ये भी अच्छा से ग्रो हो रहा है। और तो आज मैंने यही काम किया बस। और यहाँ पे देखिए मेरे सब, तारो बहुत अच्छा से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने लगाया है धनिया, जो ये धनिया लगाया है यहाँ पे मैंने, अच्छा से देखती हूँ क्या होगा, चलता है कि नहीं। और आज मैंने इसे भी इस पॉट में लगा दिया है। पॉट नहीं है, पुराना वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे मैंने एक ये अपने किचन गार्डन में ऐड किया है। ये देखिए इसका नाम है मून क्रीपर। ये बहुत ही अच्छा बढ़िया एक अपने मतलब किचन में यूज करने वाला हर्ब है। इसे आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसका, तो वहाँ पे मैं इसका हेल्थ बेनिफिट्स ये सब बताऊंगी। तो आज तो मैंने यही काम किया था। उसके साथ साथ देखिए ये मेरा करी लीफ का प्लांट देखिए अच्छा से चल रहा है। और ये
मेरा जो है कोलोकेशिया ये सब, और मेरे जो हैंगिंग प्लांटर्स है ये बहुत दिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। ये सब देखिए, मेरे हैंगिंग प्लांटर्स भी अच्छा से चल रहा है। यहीं पे ख़त्म करती हूँ मेरा ये वीडियो। आज तो मुझे यही शेयर करनी थी बस, आज का मेरा गार्डन वर्क। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।